हेलो एवरीवन, मैं श्रेयस बड़िये आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया सीरीज से लेक्चर नंबर 16 जो कि रहने वाला है बुद्धिज्म के सेक्ट्स या फिर व्हीकल या फिर यान या फिर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म पे, जो कि जिसमें हमें तीन सेक्ट्स यहाँ स्टडी करना है, जिसमें आएगा हिनायान, एक है महायान और एक है वज्रयान। ये सब व्हीकल्स है, ये सब यान है जो आज हम स्टडी करेंगे, ये अलग अलग सेक्ट्स है बुद्धिज्म के। और ये लेक्चर देखने के पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले के प्रीवियस जो दो लेक्चर्स, ये थर्ड लेक्चर है बुद्धिज्म से, जिन्होंने नहीं देखे प्रीवियस के दो लेक्चर्स वो उसे पहले देख ले ताकि ये लेक्चर समझने में आपको आसानी जाए। जो 14th लेक्चर था वो बुद्धिज्म का फर्स्ट लेक्चर था, दैट इज लाइफ ऑफ बुद्ध, हमने लाइफ ऑफ बुद्ध को स्टडी किया था। सेकेंड जो था बुद्धिज्म का लेक्चर, उसमें हमने डॉक्ट्रिन्स एंड फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म स्टडी किया था, और अब हम स्टडी करने वाले हैं वो है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सो प्रीवियस दो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी थॉट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज माय फेसबुक पेज, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो बुद्धिज्म में मेनली थ्री सेक्ट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। सेक्ट्स जो है इसके लिए कभी कभी व्हीकल्स ये वर्ड भी यूज होता है, जिसको यान कहते हैं। सेक्ट्स जो है इसके लिए कभी कभी स्कूल्स भी वर्ड यूज होता है बुद्धिज्म में। तो यहाँ तीन हमें स्कूल्स या तीन यान हमें पढ़ना है, एक है हीनायान, दूसरा है महायान और तीसरा है वज्रयान। इनमें का डिफरेंसेस हम देखेंगे और इनमें क्या क्या अलग अलग चीजें हैं, ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हम यान स्टडी करने वाले वो है हीनायान। हीनायान जो है ये, इसके बारे में बता दूं कि ये अलग अलग सेक्ट है, यानी आप बोल सकते हैं कि बुद्धिज्म में अलग अलग तरह के सेक्शंस है। तो इसमें सबसे पहले जो हीनायान है, हीनायान ये लेसर व्हीकल माना जाता है, ये थोड़ा सा छोटा व्हीकल माना जाता है। जैसे कि अगर महा देखेंगे, महायान, महायान है ग्रेटर व्हीकल, तो एक हीनायान जो है ये लेसर व्हीकल है। जो लोग हीनायान के को बिलीव, हीनायान पे बिलीव रखते हैं या फिर हीनायान को बिलोंग करते हैं, वो लोग ओरिजिनल टीचिंग्स जो है बुद्धा की, यानी बुद्धा ने जो जो सिखाई हुई चीज़ें, जो भी हमने टीचिंग्स देखी पिछले लेक्चर्स में, हमने जो डॉक्ट्रिन्स देखे उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये लोग बुद्ध को भगवान नहीं मानते, बुद्ध की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो किया जाता है हीनायान में। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि ये ऐसा समझते हैं कि जो सेल्वेशन है या फिर आपको जो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है वो थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन होगी, सेल्फ डिसिप्लिन या फिर मेडिटेशन करके, जैसे कि गौतम बुद्ध कहते थे। तो सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद को, जो बुद्ध ने कहा है वो चीज़ें खुद पर अप्लाई करो। हमने देखा सम्यक दृष्टि और जितनी भी हमने चीज़ें देखी थी, वो राइट ऑब्जर्वेशन हो गया या फिर राइट मेडिटेशन हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी है वो सब आपको फॉलो करना होगा। ऐसा आपको सेल्फ डिसिप्लिन बनना पड़ेगा और आपको रेगुलरली मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पे माना जाता है हीनायान जो फॉलो करते हैं वो लोग। उसके साथ साथ ये आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं रखते। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, ये लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। उसके साथ साथ मैंने पहले आपको बताया, बुद्ध को ये भगवान नहीं, बुद्ध की टीचिंग्स को मानते, इसलिए मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करेंगे जो हीनायान सेक्ट से बिलोंग करते। उसके साथ साथ इनकी जो लैंग्वेज है ये पाली लैंग्वेज है। पाली लैंग्वेज देखिए, जब बुद्धिज्म का विकास हुआ तो सबसे पहले जो आता है सेक्ट ये हीनायान आता है, उसके बाद जो यान आता है ये महायान आता है। तो हीनायान जो आया था उस वक्त पाली लैंग्वेज भारत में चलती थी, सो ये पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। जितने भी इसमें टेक्स्ट है, जितने भी लिटरेचर है, जितने भी साहित्य है, वो पाली लैंग्वेज में लिखे जाते हैं हीनायान में। उसके साथ साथ ये जो हीनायान है इसको सदर्न बुद्धिस्ट रीजन भी माना जाता है, रिलीजन भी माना जाता है, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया के सदर्न जो कंट्रीज है, साउथ में जो कंट्रीज है, वो कंट्रीज में ये जो रिलीजन है इसको फॉलो किया जाता है। इंडिया के साउथ के कंट्रीज में हीनायान को फॉलो किया जाता है। और वो देश है, फॉर एग्जांपल देखेंगे तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, थाईलैंड हो गया, जावा हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे जितनी भी कंट्रीज है जो इंडिया के साउथ में आती है, वो कंट्रीज में हीनायान जो रिलीजन है इसे फॉलो किया जाता है। हीनायान जो है इसमें और दो सब सेक्ट्स है, हीनायान ही दो चीज, दो और इसमें तरह के सेक्शंस आते हैं, एक है वैभाषिका और एक है स्वतंत्रिका। सो ये अच्छे से याद रखिएगा, टू सब सेक्ट्स ऑफ हीनायान आर वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका। तो स्वतंत्रिका और विभाषिका ये हीनायान से जुड़े हुए हैं, और दो सेक्ट्स है हीनायान में आने वाले। सो इस तरह से जो हीनायान होता है ये बना हुआ है, ये लेसर व्हीकल माना जाता है। और यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये साउथ ऑफ इंडिया में जितनी भी कंट्रीज आती है वहाँ पे फॉलो की जाती है। सो दिस इज अबाउट हीनायान, जो हमारा पहला यान या पहला सेक्ट बनता है बुद्धिज्म का।
अब जो सेकंड सेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है महायान। तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नाम से ही पता चल रहा है महा, यहाँ पे महा वर्ड यूज हुआ है यानी ग्रेटर, और यान यानी व्हीकल, इसीलिए इसको ग्रेटर व्हीकल माना जाता है। हालांकि ये जो महायान है इसका जो विकास किया गया था ये काफी बाद में किया गया था, पहले हीनायान काफी पहले आ चुका था, उसके बाद महायान आता है। महायान वाले जो लोग होते हैं वो बुद्ध के हेवनलीनेस को मानते हैं, वो बुद्ध को भगवान मानते हैं। अगर बुद्ध को भगवान माना जा रहा है तो सिंपल सी बात है, गौतम बुद्ध की यहाँ पे पूजा की जाएगी, उनकी मूर्ति की पूजा की जाएगी। सो ये चीजें है। उसके साथ साथ ये लोग समझते थे कि जो मोक्ष मिलता है वो मोक्ष आपको ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्ध या बोधिसत्व से मिलता है। सो ग्रेस एंड हेल्प यानी एक तरह से कह सकते हैं कि बुद्ध की कृपा या फिर आशीर्वाद, जो बुद्ध का आशीर्वाद है हमारे साथ या फिर जो बुद्ध हमें हेल्प कर रहे हैं उसी के थ्रू हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए गौतम बुद्ध जो है उनकी पूजा करते रहे, उन्हें पूजते रहिए, या फिर बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले। बोधिसत्व एक तरह से भगवान की तरह यहाँ पे पूजा जाता है बोधिसत्व को भी बुद्धिज्म में, महायान बुद्धिज्म में। बट आपको ये भी बता दूं कि बुद्धिज्म जो है बोधिसत्व जो होते हैं वो लोग पूरी तरह से उनके पास ये कैपेबिलिटी है, उनके पास ये नॉलेज आ चुका है कि वो निर्वाण हासिल कर लेंगे आज या कल जाके, बट अब तक उन्होंने किया नहीं है जस्ट बिकॉज कि कुछ कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं या फिर कुछ कुछ उनको ऑब्स्ट्रक्शन से अच्छा हम कह सकते हैं कि जो लोग कहीं किसी मुश्किल में हैं उनके प्रति उनको कुछ करना है, इसी कारण वो अभी तक एनलाइटन नहीं हो पाए हैं, बट आज या कल जाके होने वाले, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। सो बोधिसत्व के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं, अगला पूरा लेक्चर बोधिसत्व पे ही रहने वाला है। सो ये जो है इसे कहा जाता है, ये लोग इस तरह से मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति बुद्ध या फिर बोधिसत्व जो है उनके थ्रू होती है। सो ये एक और चीज है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आइडल वर्शिप पे बिलीफ रखते हैं। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा, ये गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी पूजा करने में विश्वास रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और पूजा और पूजा पाठ वाली अगर चीजें आती है तो लैंग्वेज नॉर्मली संस्कृत आती है, तो संस्कृत लैंग्वेज के थ्रू ये पूजा पाठ और ये सब चीजें होती है। तो यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत का धीरे धीरे जो विकास हुआ वो बुद्धिज्म में भी दिखने लगा। तो संस्कृत लैंग्वेज जो है उसके थ्रू महायान जो है ये इसके जितने भी लिटरेचर है वो संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे गए बाद में। तो ये सब बात की बात है। तो पाली लैंग्वेज पहले हुआ करते, इसलिए हीनायान में पाली लैंग्वेज यूज हुई, बट जो महायान है उसमें संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो भी साहित्य बनते हैं उसमें। ये जो रिलीजन है इसको नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा जाता है। तो नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन यानी इंडिया जो है, इंडिया के नॉर्थ साइड में यानी ऊपर के साइड में जितने भी देश आते हैं, ऊपर में जितने भी, वहां पे जो फॉलो किया जाता है रिलीजन वो होता है महायान। सो महायान रिलीजन नॉर्थ ऑफ इंडिया में फॉलो किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल चाइना हो गया, कोरिया हो गया, जापान हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर बाकी जितने देश आते हैं नॉर्थ साइड में जहां पे बुद्धिज्म है वहां आपको महायान बुद्धिज्म देखने मिलता है। इसके और दो सबसेक्ट है जो महायान है, ये और दो सेक्शंस में बटा हुआ है। पहला सेक्शन इसमें मिलता है हमको मध्यमिका। सो मध्यमिका पहला सेक्ट बनता है इसमें महायान में। और दूसरा जो यहाँ पे मध्यमिका या फिर इसको शून्यवाद भी कहा जाता है, और दूसरा जो बनता है ये बनता है योगाचार, योगाचार या फिर इसको विज्ञानवाद भी कहा जाता है या विज्ञानवाद। सो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मध्यमिका या शून्यवाद और दूसरा योगाचार या फिर विज्ञानवाद। सो ये दो जो है ये यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं सबसेक्ट जो महायान में और भी ज़्यादा डिवीजन हुए हैं। सो इस तरह से ये सेकेंड एक सेक्ट रहा महायान। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ यूपीएससी नहीं, एसएससी नहीं, सीडीएस नहीं, बैंकिंग नहीं, कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव आप एग्जाम दो, ये बुद्धिज्म पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म हो गया, या फिर हमने पहले पढ़ा जो लाइफ ऑफ बुद्धा या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए ये सब टॉपिक्स में आपके बहुत अच्छे से कवर कर रहा हूँ, एकदम पक्के क्वेश्चन आते हैं। सो ये महायान हो गया। महायान के बाद जो आखिरी सेक्ट हमें पढ़ना है वो है वज्रयान। वज्रयान जो है इसके बारे में कुछ बहुत अलग चीजें नहीं है, बट वज्रयान में आपको ये बता दूं कि सेल्वेशन, ये लोग यही मानते हैं कि सेल्वेशन यानी आपको मोक्ष जो हासिल होगा वो मैजिकल पावर से हासिल होगा, और वो है वज्र। सो ये जो वज्रयान है इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है, ये एक चीज याद रखिएगा, वज्रयान को तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहा जाता है। और तांत्रिक और तंत्र मंत्र आ गए यहाँ पे। सो मैजिकल पावर किस तरह से, तो आप मंत्र का उच्चारण कीजिए, मंत्र पढ़ते रहिए, और इसी चीज के कारण कोई तो भी मैजिकल पावर है जो आपके साथ आपको मोक्ष हासिल करने में मदद करेगी। तो यहाँ पे यही है वज्रयान। सो वज्रयान जो है इसमें
अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तरा है, तरा तरा या फिर तराज जो यहाँ पे लिखा है, ये इनके चीफ डिविनिटी है, ये इनके मेन गॉड माने जाते हैं, जिनको वज्रयान वाले लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए मंत्र का जाप करते हैं और यही इनको सेल्वेशन तक पहुँचाएंगे, ऐसी मैजिकल पावर्स है। तो ये है तरा, तरा जो है ये है एक तरा बुद्ध जो जिसको वज्रयान के लोग मानते हैं, तो इन पे बिलीव रखते हैं। तो ये आपने इनकी पिक्चर देख ली, ये तरा बुद्ध। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि ये जो वज्रयान है ये ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली बंगाल और बिहार में आपको ज्यादातर वज्रयान का सेक्ट देखने मिलता है बुद्धिज्म का। उसके साथ साथ ये स्प्रेड हुआ है, ये फैला हुआ है टिबेट तक, भूटान तक और ईस्ट एशिया के काफी सारे देश तक, यानी एशिया में ईस्ट साइड जो है वहां पे काफी ज्यादा देश में ये फैला हुआ है, जिसको वज्रयान कहा जाता है। तो इस तरह से तीन सेक्ट हमें देखने मिलते हैं बुद्धिज्म में, जो कि एक होता है हिनयान, दूसरा है महायान और तीसरा है वज्रयान। आपको एक काम करना है कि आपको आपके पास एक टेबल बनाना है जिसमें आप तीन चीजें लिखेंगे जो आपको एग्जाम के वक्त बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। टेबल, एक टेबल हिनायान लिखिएगा, एक महायान लिखेगा, एक वज्रयान लिखेगा और तीनों की चीजें यहाँ कंपेयर करते हुए लिखते हुए चलिएगा। सो आपको ये बहुत आसान जाएगा रिवाइज करने के लिए। सो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर रहा, जिसमें हमने सेक्ट्स या फिर व्हीकल्स ऑफ बुद्धिज्म पढ़ा, जिसमें हमने हिनायान पढ़ा, महायान पढ़ा और वज्रयान पढ़ा। अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और शेयर करें, ताकि और नॉलेजेबल वीडियोज मैं आपके सामने लाता रहूं। आप मुझे और अपडेट के लिए मेरे फेसबुक पेजेस को भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं, श्रेयस वीडियो इंटरप्रिटेशन है मेरे फेसबुक पेजेस है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे बारे में और जानकारी चाहते हैं या फिर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो श्रेयस बड़िए द पीस लवर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। shreyasbadiye@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो।